हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपके सामने लाई हूँ किनोआ सैलेड। ये देखिए, हमने ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा तीनों कैप्सिकम को काट लिया है। ब्रोकली मैंने आधा कप ली है, ब्लांच कर ली है। एक कप हमने किनोआ लिया है, ये कुछ इस तरह का होता है। देखिए, छोटे छोटे ऐसे गोल गोल सीड्स टाइप होते हैं, ऐसे पैकेट्स आते हैं इसके, अलग अलग ब्रांड का होता है, तो आप कोई भी ब्रांड का किनोआ मंगा सकते हैं। ये मैंने पनीर को ऐसे हाफ कप कप पनीर ले लिया है, कट कर लिया है छोटे पीसेस में। हाफ कप बॉयल कॉर्न लिया है, एक टमाटर लिया है, और मैं बेबी कॉर्न भी डालूंगी। जो जो मैं डालती जाऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताती जाऊंगी। ब्लैक पेपर पाउडर है, सॉल्ट है, हनी लिया है, ऑलिव ऑयल है हमारे पास, लेमन जूस ले रहे हैं हम, फ्रेश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्ट एज पर टेस्ट, और हमारे पास है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, 1-1 टीस्पून हम ये यूज करेंगे। सबसे पहले हम किनोआ को वॉश करेंगे। 2 कप मैंने पानी जो है वो उबलना रख दिया है 1 कप किनोआ के लिए। देखिए, किनोआ को ना हमने ऐसे वॉश कर लिया है। ये इजी तरीका है कि आप इसमें जाली में डालिए और अच्छे से पानी से 3-4 बार वॉश कर लीजिए, तो आपका जरा भी किनोआ जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो पानी उबल गया है, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक, बहुत ही थोड़ा सा नमक डालेंगे, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आधा चम्मच के करीब, क्योंकि ना ये आपस में फिर चिपकेगा नहीं और खिला खिला रहेगा। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और हम डाल देंगे ये किनोआ जो हमने धोकर रखा है अच्छे से, और धोने के लिए आप ये जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। किनोआ डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे, और ढककर पकाने में हमें जब तक पानी सूख नहीं जाएगा ना, तब तक हम इसको पकाएंगे, मतलब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं आपको चेक कराऊंगी पकने के बाद। अब हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि पानी जो है वो सूख गया है बिल्कुल। और ये देखिए, और इसको ना हम यहां पर खाकर देख लेंगे कि ये सैलेड जो है पक गया है। सैलेड के लिए मतलब रेडी है, किनोआ पक गया है। तो ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है, जैसे चावल गलते हैं ना, उस तरह का हो गया है। तो 1 मिनट और हम इसको ढककर रखेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे नीचे से, और उसके बाद इसको ठंडा होने की इंतजार करेंगे। कवर हटा देंगे, थोड़ा ये सेटल हो जाएगा और ठंडा होने की इंतजार करेंगे। अब हम इस बड़े बाउल में ना सारी सब्जियां डाल देंगे। कॉर्न डालेंगे जो हमने से पहले से बॉईल करके रखा है, ब्लांच ब्रोकली है, कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं सब्जियां, और जो नहीं पसंद है उसको स्किप कर सकते हैं। 1 टमाटर ले लिया है हमने मीडियम साइज का, बिल्कुल रेड वाला टमाटर है। चेरी टोमेटो भी आप यूज कर सकते हैं। पनीर हम डाल देंगे, देखिए कितना हेल्दी ये सैलेड बनने वाला है। और इसके साथ हम डालेंगे ये बेल पेपर, रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम, इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। इससे पहले हम बेबी कॉर्न भी हमने ब्लांच करके रखा है, तो इसको भी हम डाल देंगे। देखिए कितना हेल्दी ये लग रहा है, कितना सारा सब्जियां हो गई हैं, कितना सारा सब्जियों का मिक्सचर है। ड्रेसिंग के लिए हमने 1 बाउल में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, 1 चम्मच हमने लिया है ऑरिगेनो, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, 1 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स लिया है, नमक डाला है थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें हनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा लेमन जूस, ये भी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी ड्रेसिंग तैयार है, और अब हमने इसका ढक्कन निकाल दिया है, और ये देखिए कितना खिला खिला ये किनोआ बना है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, बिल्कुल खिला खिला है, और ये गल गया है अच्छे से। देखिए कितने छोटे छोटे दाने थे ना, और कितना अच्छे से ये गल गया है। तो इसको ठंडा होने देते हैं,
आप इसमें थोड़ी रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर हमने नहीं डाला था, ये भी 1/4 टीस्पून, आप चाहें तो ड्रेसिंग में डाल दें सॉरी, या फिर आप ऐसे ही डाल सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे ये मिक्स। देखिए कितना ये सुंदर लग रहा है देखने में भी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। और ये देखिए किनोआ ठंडा हो गया है, अब हम इसमें इसको डाल रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल भी चिपका नहीं है और बहुत अच्छे से गला हुआ है। अब करेंगे इसको मिक्स, किनोआ को सब्जी के साथ ड्रेसिंग के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और यकीन मानिए ये बहुत हेल्दी है, हेल्दी ग्रेन्स में आता है। ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है और कितना यमी ये लग रहा है। अब इस समय ना हम इसको टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है? अगर आपको चिली फ्लेक्स और डालने हैं, ऑरिगेनो और डालना है, या आपको खट्टा कम लग रहा है, नींबू डालना है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बन गया है आपका ये यमी सा सैलेड, लग रहा है ना सुंदर? करते हैं इसकी प्लेटिंग, देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए यमी सा सैलेड बनकर तैयार है, बहुत ही खिला खिला और बहुत ही अच्छा बना है, हेल्दी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।